जिंदाबाद जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब तो पहले मैं मुबारकबाद पेश करना हूँ इस मस्जिद इंतज़ामिया, इस मिलाद कमेटी के कारकुनान और आले टोपरी जिन्होंने इस मुबारक दिन दे विच 12 रबी अव्वल वाले मुबारक दिन दे विच हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल आलमीन ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद पाक के हवाले दे नाल मुबारक सोहनी महफिल सजाई। सुभान अल्लाह। उलमा ने बुलाया, सना खाना ने अपनी हाजिरी मेरे तो पहले भी लगाई, बाद के अंदर ही लगवाएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर दुआ है कि मेरा पढ़ना तुहाडा सुनना अल्लाह अपनी बुलंदो बाला बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। जितने दूरों नज़दीकों दोस्त बाप बुजुर्ग चल के तशरीफ लियाए, अल्लाह ताला सब दया आना अपनी बार बुलंदो बाला बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। और साडे वास्ते महफिल पाक आखरत जरिया निजात बनाए। कोई जबान खामोश ना रहे, सरकार की बारगाह के अंदर दरूद पाक पढ़ो और इंज पढ़ो जिमें हजूर के गुलाम मंगते मदीने शरीफ पढ़ते बैठे होंगे। जितनी मुहब्बत नाल बैठोगे इतनी रब की रूहानियत पैदा होगी, रब भी राजी होएगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या आज दे दिन भी जेड़ा हुजूर दी ज़ात ते दुरूद पाक नहीं पढ़ता उन्हें कदों बोलना वे। और मैं अक्सर आद होना वा कि जेड़ी जबान रब रसूल दे नां ते नहीं बोलती किबला, ओ जबान जेड़ी दुनियादारी ते बोलती है, लड़ाई झगड़ियां दे अंदर बोलती है, झूठ ते बोलती है, गीबत ते बोलती है, बोहतान लगान ते बोलती है, दगाबाजी करन लगे बोलती है, लेकिन रब रसूल दे नां ते नहीं बोलती। उसने कबर दे अंदर की बोलना वे। मोहब्बत नाल दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम तो जान भी दे देंगे खुदा की कसम, हम तो जान भी दे देंगे खुदा की कसम, अरे कोई मांगे तो सही मुस्तफा के लिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।